मेरे साथ भाई गलत करे, बिहार के आएंगे तो आप पहले बनवाओगे मेरे साथ मतलब तो ये बताओ, हम भी तो आपसे पहली बार मिले। हेलो, हमारी बलिया और बिहार जिला के सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उल्ही जाना मिल के हमारी बहनी के सपोर्ट करिया लोग, फुल सपोर्ट, बीच में ना ही छोड़िया जाए। ये कि दीदी कम डांस करी और भैया बहुत रिकॉर्ड किए, तो चलो दीदी से भी मिल लिए। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, तो आपको स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सुबह हो चुकी है तो आप लोगों को देख बताते हैं। तो भाई आज सुबह सुबह हम लोगों से कौन मिलने आया है तो आपको हम दिखाते हैं। आ जाओ सुमन दीदी, ये देखो। हाय, हेलो। तो ये सुमन दीदी है, और सुमन दीदी आप कहाँ से आई पहले ये बताओ। मैं बलिया जिला रसड़ा से आई हूँ। और ये कहाँ पड़ता है? बिहार के बॉर्डर से, बलिया जिला। हाँ, बिहार के बॉर्डर बलिया जिला पे पड़ता है। तो दीदी इतनी दूर से मिलने आई हूँ, भैया भी मिलने आए हैं, ये कल से निकले और आज सुबह पहुँच पाए, आप समझ रहे हो कि कहाँ कब पे निकले। हाँ, मैंने यूट्यूब से निहारका से मैं जुड़ी और फिर इनके परिवार में सबसे बात होने लगी। ये भी अच्छी है और इनकी माँ तो सबसे बेस्ट है। बहुत अच्छी है, मम्मी भी अच्छी है, पापा भी इनके बहुत अच्छे हैं। और सच में यहाँ इतने दूर से तो मैं आई और मैं इतना उम्मीद नहीं की थी कि मुझे एक परिवार की तरह यहाँ पे प्यार मिलेगा, लेकिन सच में रियल में जैसे मेरी माँ मुझे प्यार करती है वैसी चाची जी भी मुझे बहुत अच्छा से मतलब रखी और मुझे कहीं ऐसे फुटपाथ पर रहना नहीं पड़ा, अपना घर समझ के मैं यहाँ पे आज कई दिन से तो फिर मतलब कि दीदी भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी दीदी ने नया चैनल बनाया है तो दीदी भी अपना ब्लॉग चैनल बनाई है और दीदी का ब्लॉग चैनल है सुमन यदवंशी करके 54 सुमन यदवंशी 54। तो हाँ, तो दीदी ने अभी नया चैनल बनाया है। तो भैया अभी तो हम भी अपने टाइम पे ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं, लेकिन जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे वीडियो देख रहे हो, प्लीज दीदी को उतना ही सपोर्ट करो जितना हमें कर रहे हो। प्लीज हेल्प करिए। हाँ बिल्कुल, हेल्प करिए। और दीदी इतनी दूर से, आप समझ रहे हैं, बड़ा उम्मीदों को लेके आए हुए हैं। तो अभी चलो दीदी के साथ अभी हम वीडियो बना रहे हैं, भैया जी को भी दिखाएंगे और बाकी हो सकता है दीदी अभी रुकेंगी एक दो दिन, तो हो सकता है कि आएंगे हम लोग भी कहीं और किसी जगह मिलने जाएं, मतलब जैसे कि बायरल भाभी या संजना दीदी से, तो वो भी हम आपको आगे ब्लॉग में दिखाते रहेंगे। है दीदी, सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? तो चलो पहले अभी आज तो फर्दी लग गई है, पता है सुबह सुबह आई स्टेशन पे बैठे थे। ये हैं भैया जी हमारे, भैया जी आए बोलो। हाँ हाँ, और ये दीदी जो कि अभी खाना खा रहे हैं, और दीदी भी अपने ब्लॉग बनाने की स्टार्टिंग में लगी हुई हैं, ऐसा ही है। दीदी यार अपनी भोजपुरी में कुछ बोलो। भोजपुरी में? हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, सपोर्ट करने के लिए बोलोगे तो कैसे बोला जाएगा सपोर्ट करने के लिए? हाँ, हेलो, हमारी बलिया और बिहार जिला के सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उल्ही जाना मिल के हमारी बहनी के सपोर्ट करिया लोग, फुल सपोर्ट, बीच में ना ही छोड़िया जाए। ये देखो आप लोगों को बता दे, तो अभी हम खड़े हुए हाईवे पे, तो आप लोगों को पता ही है जैसा कि सुमन दीदी जो कि बलिया गोरखपुर से आई हुई है और ये सोनम, तो आज हम लोग सुबह घर से निकले हैं क्योंकि दीदी यहाँ पे आई थी तो इनका मन था संजना दीदी से मिलने का और मेरा भी था क्योंकि अभी तक हम भी नहीं गए थे, तो हम लोग पहुँच ही गए हैं यहाँ पे जसवंत नगर, थोड़ी दूरी पे है। तो चलो चलते हैं संजना दीदी के यहाँ, तो रास्ता तो आप लोगों को सीधा वहीं पे मिलेगा, चल के ठीक है। ये तो हम लोग पहुंच हुए हैं संजना दीदी के यहाँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा उनका घर ऊपर से नीचे तक, और ये उनका बोर्ड लगा हुआ है, ये देखो जो उनकी आईडी लगी हुई है। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, फिर आपको दिखाएंगे चल के। बेल बजाएं, अब देखो अंदर से कौन आ रहा है, उसके बाद दीदी अपना लगी हुई है बनाने। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम पहुँच चुके हैं और दीदी बाहर आ चुकी हैं, जैसे कि ये और ये सुमन दीदी इनसे मिल चुकी हैं, तो चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं, वैसे दिखाने की जरूरत है नहीं, वैसे आप लोग देख ही चुके हैं, तो मिलिए भाई मेरे ब्लॉग में। तो गाइस लड़की हूँ, लड़का है, लड़की ये जो है मैम से मिलने आई, काफी अच्छा लगा इनसे मिलके, बाकी इनके सपोर्ट करो, इनके चैनल को विजिट करो,
चलो देख लो, आप लोग देख ही लिए हैं तो अम्मी मिल चुके हैं, तो चलो आप लोगों को हम यहाँ से अब वीडियो बना ले, थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना ले, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मेरे साथ भाई गलत करे, बिहार के आएंगे तो आप पहले बनवाओगे मेरे साथ मतलब ए? तो ये बताओ अम्मी, तो आपसे पहली बार मिल रहे हैं, दीदी बोल रही है ये बिहार से मिलने आए, पहले इनके साथ वीडियो बनाने दो उसके बाद तुम्हारे साथ बनाएंगे। चलो ठीक है, वैसे अम्मी काफ़ी वीडियो बना ही लिए तो हो गया है बाकी। चलो ठीक है, चलते हैं घर, घर पहुँचने फिर मिलते हैं आपको। बाय। ओके बाय बाय। अभी हम आए हुए हैं सोनी दीदी के यहाँ, तो सोनी दीदी को आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा और शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, तो सोनी दीदी की सासू माँ बैठी हुई है वो, और अभी सोनी दीदी अभी चाय बना रही है, और ये देवांश तो हमें देख के रोने ही लगता है, तो इस वजह से हम पास में नहीं जा रहे हैं। बाकी आप दीदी का घर देखिए, ये दीदी का रूम है ये, और देवांश की पगल देखो, देखो ये हमें पता नहीं क्यों देख के डरने लगता है, हम क्या भूत लगते हैं तुम्हें? डरा नहीं करो यार, शोभा मौसी जैसे भी हैं हम। शोभा मौसी के पास चलोगे? हाँ चलो, वही शादी में मिलेंगे तब तुम्हें और रुलाएंगे चल के हम। नहीं आ जाओ वीडियो बनाए, आओ। अच्छा ना आओ, ना आओ, रो नहीं लेकिन तुम। दीदी अभी चाय नाश्ता बना रही है उन लोगों के लिए, और ये देवांश रो रो के भाग रहा है। बाकी चलो आपको दिखाते हैं भाई साहब, ये रहा हमारी दीदी जी का रूम, और ये जिया जी कहाँ गए? इटावा? जिया जी है नहीं, इटावा गए हुए हैं, और फर्दी की वजह से हालत ख़राब हो गई है देखो। दीदी और भैया भी बैठे हुए हैं। हाँ दीदी चाय बना रही है। दीदी चाय ले आई है देखो। अरे ठीक है ना, आप पियो चाय, वो देखो उन्होंने लगा, ये देखो यार। चलो पहले हम लोग चाय नाश्ता कर ले, अब दीदी ने बना के, ये आंटी जी भी है ये, अरे अरे दर्द इनके पैरों में ना, दर्द है आज। और आंटी जी काफी अच्छी लगी, मिल गई हमें तो काफी अच्छा लगा। और ये तो हमें देख के रोता है, अभी शांत बैठा है क्योंकि वीडियो बन रहा है इस वजह से। लोग हो गए, बहुत डांस किया दीदी, थक गई है देखो, गर्मी आ गई, स्वेटर उतार दिया दीदी, लेकिन दीदी कम डांस करी और भैया बहुत रिकॉर्ड किए, तो चलो दीदी से भी मिल लिए, तो अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर। तो चलो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भाई सोनी दीदी देख लो, सोनी दीदी देखो ये सुंदर है लेकिन।